फूहड़ और बेसिर पैर की कॉमेडी के इस दौर में अपने साफ सुथरे जोक्स के जरिए सबके दिलों पर राज करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से भला आज कौन परिचित नहीं होगा। कुछ दिनों से राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे देश ही नहीं विदेशों में भी हर कोई राजू के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी मौके को भुनाना नहीं है बल्कि आज सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव को लेकर जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें कुछ निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, उन्हीं सब निगेटिव बातों का भ्रम दूर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। एक साधारण से परिवार से निकलकर पूरी दुनिया को अपने अनोखे अंदाज से हंसाने वाले एक्टर राजू श्रीवास्तव हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। आज की वीडियो में हम राजू श्रीवास्तव के संघर्ष और जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातों को लेकर आए हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे राजू श्रीवास्तव का असल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी कोर्ट में बतौर पेशकार कार्यरत थे, साथ ही वे बलाई काका के नाम से कविताएं भी लिखा करते थे और मंच पर अपनी कविताएं भी सुनाते थे। राजू की मां सरस्वती श्रीवास्तव जी एक गृहिणी थी जो स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और फिल्में देखने के भी खिलाफ थी। चूंकि राजू के पिता एक कवि थे इसलिए इसका असर राजू में आगे चलकर पड़ने लगा। हालांकि राजू के परिवार में सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता दी जाती थी, भले ही लड़का क्लर्क ही क्यों ना हो। राजू कहते हैं कि घर में फिल्म देखना तो दूर की बात, रोमांटिक गाने भी रेडियो पर बजने लगे तो राजू अनकंफर्टेबल हो जाया करते क्योंकि इनकी माता की सख्त हिदायत थी कि फिल्में देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालांकि बेझिझक बोलने की खूबी और बातें बनाने की कला राजू में जन्म से ही थी। एक बार राजू के पिता ने उन्हें मिसाल देते हुए कहा कि तुम लोग बिजली होते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हो, बचपन में हम लोग स्ट्रीट लाइट और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। राजू के मुंह से यूं ही निकल गया कि पापा, क्या आप लोग दिन में पढ़ाई नहीं करते थे। राजू के पिता तो पहले उनकी इस बात पर थोड़ा नाराज हुए और फिर हंस पड़े। राजू को अपनी इसी हाजिर जवाबी से महसूस हुआ कि वे लोगों को हंसा भी सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही राजू के अंदर मिमिक्री के गुण भी थे। अक्सर वे रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनकर उनकी नकल किया करते थे। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनके पिता अक्सर उन्हें कविता सुनाने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी व ट्रेन आदि की आवाजें सुनाने को कहा करते थे। तब घर पर कोई मेहमान आ जाए या किसी की बर्थडे पार्टी हो, राजू सबका मनोरंजन किया करते थे। स्कूल के समय में अपने स्कूल टीचर्स की भी नकल उतारा करते थे। स्कूल और इंटरमीडिएट के दौरान उनके कॉलेज में होने वाले क्रिकेट मैच में भी राजू को कमेंट्री करने को कहा जाता था। दरअसल राजू को इसलिए भी कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था क्योंकि प्लेयर्स से जुड़ी हर प्राइवेट बातों को भी कमेंट्री के दौरान लपेटकर सुना दिया करते थे, जिससे लोगों को खूब मजा आता था। एक बार राजू के एक दोस्त ने क्लास में गब्बर सिंह की मिमिक्री की तो राजू ने देखा कि लड़के लड़कियां सभी उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बस फिर क्या था, राजू ने अपने दोस्त से एक दिन पूछ लिया कि ये सब कहां से याद कर लेते हो जो तुम क्लास में सुनाते हो। दरअसल सोले तो क्या, तब तक राजू ने कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। राजू के दोस्त ने बताया कि उसने यह सब फिल्मों से सीखा है। इस पर राजू ने पूछा कि ये क्या होता है, तब राजू के दोस्त ने बताया कि सिनेमा घर में टिकट खरीद कर फिल्में देखी जाती है। बस फिर क्या था, चार चार आने इकट्ठे कर एक दिन राजू भी संकोच करते डरते घबराते पहुंच गए फिल्म देखने और फिल्म थी शोले, जिसका नशा राजू पर कुछ ऐसा चढ़ा कि कभी उतरा ही नहीं। ना सिर्फ वह फिल्म बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद राजू पर अमिताभ बच्चन का ऐसा जादू सवार हुआ कि एक बार पुराने जमाने की एक्ट्रेस अमिता जी का नाम पोस्टर पर देख वो फिल्म देखने चले गए और पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहे। बहरहाल राजू जैसे जैसे बड़े होते गए अमिताभ की मिमिक्री के साथ साथ उनके जैसा उठना बैठना बोलना शुरू कर दिया। राजू बताते कि अमिताभ की मिमिक्री के लिए पहली बार उन्हें 50 रुपए मिले थे। मजे की बात कि राजू को तब यह लगा था कि प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने उन्हें नोट रखने के लिए दे दिए हैं और वह उसे लौटाने के लिए अगले दिन उसके घर जा पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनका मेहनताना है। उस दिन पहली बार राजू को महसूस हुआ कि वे इस काम से भी पैसे कमा सकते हैं। जब राजू ने यह फैसला कर लिया कि वे एक एक्टर बनेंगे और लोगों के मनोरंजन को ही अपना करियर बनाएंगे तो एक दिन वे घर से बिना बताए ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने निकल पड़े। हालांकि उनके किसी दोस्त ने यह बात आकर उनके घर पर बता दी और राजू को उनकी माँ ट्रेन से उतार कर वापस घर ले आई और अच्छी खासी क्लास लगाई। दोस्तों, बड़े होने पर राजू अपने आसपास के शहरों में थोड़े मशहूर तो हो गए थे लेकिन वे इससे ऊपर उठना चाहते थे। आज जो नाम और प्रसिद्धि राजू को हासिल है उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है।
एक इंटरव्यू के दौरान राजू ने बताया था कि जब वे मुंबई आए तो उस समय कॉमेडियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, सिर्फ जॉनी लीवर साहब ही ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें साहस मिलता था। साल 1982 में राजू मुंबई पहुंचे, जहां शुरुआती दिनों में अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का काम जारी रखा था और जो भी छोटे मोटे शो मिलते वो कर लिया करते थे। इस बीच काफी लोगों ने उनकी मदद भी की, जिनमें उस दौर के मशहूर कव्वाल उन्हें रहने के लिए छत दी तो जॉनी लीवर ने उन्हें अपने घर ले जाकर खाना भी खिलाया। बहरहाल एक दिन ऑटो चलाते वक्त ही राजू श्रीवास्तव की किस्मत चमकी और उन्हें कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, राजू ने फटाफट जाकर ऑडिशन दिया और चुन भी लिए गए। दोस्तों, राजू के चेहरे को पहचान भले ही बाद में मिली थी, लेकिन कभी ऑडियो कैसेट्स के जरिए उनकी आवाज पूरे भारत में मशहूर थी। दरअसल मुंबई में शुरुआती दिनों में एक बार राजू को मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी के एक शो में कॉमेडी करने का मौका मिला, जहां टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार भी आए हुए थे। उन्होंने राजू की प्रतिभा को पहचाना और हंसना मना है नाम से एक कैसेट निकाला, जो उस दौर में जबरदस्त कामयाब हुआ। राजू बताते हैं कि कभी कभी वो किसी ऑटो रिक्शा में अपने कैसेट बजते सुनते तो मजे लेने के लिए ड्राइवर से कहते, ये क्या सुन रहे हो, कोई ढंग का गाना वाना सुनाओ। तब ऑटो ड्राइवर बोलता कि साहब आगे तो सुनिए, बहुत मजेदार है। राजू ने फिल्म तेजाब से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो वर्ष 1988 में रिलीज हुई थी। बाद में राजू ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वाह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल है। राजू को असल पहचान टेलीविजन से ही मिली है। जैसा कि हमने बताया कि राजू ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टी टाइम मनोरंजन से की थी। बाद में वे अन्य कई टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए। मशहूर धारावाहिक शक्तिमान में भी राजू कई एपिसोड्स में नजर आते हैं। इस धारावाहिक में वे धुरंधर सिंह की मजेदार भूमिका में दिखे थे, जो कि नकारात्मक होते हुए भी बहुत फनी था। इसके बाद आया वह शो जिसने राजू को घर घर में मशहूर कर दिया, और वो शो था साल 2005 में प्रसारित द ग्रेट इंडियन लॉबस्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से आए नए नए हास्य कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें से राजू श्रीवास्तव एक थे। हालांकि जब राजू को इस शो के लिए बुलाया गया तब तक वे काफी नाम कमा चुके थे और उन्हें लगा था कि उन्हें जज के रूप में आमंत्रित किया गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वे प्रतियोगी के रूप में बुलाए गए हैं, उन्होंने मना कर दिया। खैर बाद में शो के डायरेक्टर द्वारा बहुत समझाए जाने पर राजू मान गए और ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन ऑडिशन में पहुंचने पर राजू ने देखा कि वहां तो ज्यादातर प्रतियोगी उन्हीं के फैन हैं और उनसे ही प्रभावित होकर कॉमेडियन बने हैं। राजू धर्म संकट में पड़ गए और ऑडिशन छोड़कर फिर वापस चले आए। खैर तीन बार ऐसे ही लौटने के बाद राजू को किसी तरह यह कहकर मनाया गया कि एक एपिसोड करके देख लीजिए, अगर अच्छा न लगे तो आगे मत कीजिएगा। खैर जैसे जैसे यह शो आगे बढ़ा वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। यह शो भी कामयाब हुआ और इसके प्रतिभागी भी। हालांकि राजू इसमें दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन पूरे शो में दर्शकों को इनका इंतजार रहता था। बाद में कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, लॉफ इंडिया लॉफ, गैंग्स ऑफ हसीपुर के अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी के चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतियोगी नजर आए। साल 2013 में राजू ने नच बलिए नाम के डांस शो में भी हिस्सा लिया था। खास बात ये कि शो में राजू अपनी पत्नी के साथ थे। पंखे और बल्ब से लेकर गाय बकरियों तक को अपनी मिमिक्री के खास अंदाज में पेश कर राजू सबको हंसाने में माहिर है। यह राजू का वो अंदाज बना जो उन्हें किसी आम मिमिक्री आर्टिस्ट से अलग भी करता है। दरअसल राजू इस बात को लेकर अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन और कुछ एक एक्टर्स की मिमिक्री कर उनकी कोई पुख्ता पहचान नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को जोड़ते हुए आम किरदारों की मिमिक्री करना शुरू किया, जिनमें बहुत से मशहूर राजनेताओं से लेकर गजोधर जैसे अनसुने किरदार भी शामिल हैं। राजू द्वारा बनाया गजोधर का किरदार तो इतना मशहूर हुआ कि लोग इन्हें इसी के नाम से जानने लगे। इस किरदार को गढ़ने के पीछे की कहानी भी राजू ने सुनाई थी। दरअसल राजू के ननिहाल उन्नाव में गजोधर नाम का एक नाई था, जिससे राजू अपने बाल कटवाते थे, और नाई बाल काटते वक्त आसपास की कहानियों को बड़े ही रोचक अंदाज में सुनाता था, जो राजू को इतना पसंद आया कि वे कभी उसे भूल नहीं पाए। राजू ने आगे चलकर उसके नाम और किरदार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो सुनने वालों को भी मजेदार लगा। फिर तो गजोधर उनके हर शो का हिस्सा ही बन गया। राजू ने आम किरदारों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की भी मिमिक्री की और इसमें भी कामयाब रहे। राजू राजनीति से भी जुड़े और शुरुआत में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा था। हालांकि बाद में 11 मार्च 2014 को उन्होंने टिकट वापस कर दिया और कहा कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है।
बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान से राजू को जोड़ा, जिसके बाद वे 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वे राजू की मिमिक्री के फैन थे, और एक शो में उन्होंने राजू से कहा था कि राजू जी आप सभी नेताओं की मिमिक्री करते हैं लेकिन मेरी क्यों नहीं। तब राजू ने कहा कि सर मैं अभी इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, जल्द ही इस पर काम करूंगा। मजे की बात कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद राजू की मुलाकात मोदी जी से हुई तो उन्हें राजू का वादा याद था। उन्होंने राजू से शिकायत की कि आपने मेरी मिमिक्री करने का वादा किया था। राजू ने उसी समय उन्हें कई चुटकुले सुना दिए और उनकी मिमिक्री कर खूब हंसाया। दोस्तों राजू साफ सुथरे जोक से सुनाया करते हैं और इसलिए उन्हें हर कोई पसंद भी करता है। बावजूद इसके एक बार राजू श्रीवास्तव को मच्छर चालीसा बनाकर सुनाने के चलते कुछ लोगों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से कई फोन कॉल आए जिनमें उन्हें चेतावनी दी गई कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर चुटकुले न करें। निजी जीवन की बात करें तो राजू की पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है। दोस्तों राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, जो किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए 12 साल का इंतजार किया था। राजू अपनी पत्नी शिखा से पहली बार अपने एक भाई की शादी में मिले थे, जहाँ पहली मुलाकात के दौरान ही राजू को शिखा से प्यार हो गया और उन्होंने शिखा के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पता लगा कि शिखा उनकी भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती है। राजू श्रीवास्तव बहाना बनाकर इटावा जाने लगे, हालांकि दिल की बात उन्होंने नहीं बताई। बाद में राजू ने किसी तरह अपने भाई को इसके बारे में जानकारी दी। दरअसल राजू शिखा से शादी करने से पहले कुछ अच्छा करना चाहते थे, हालांकि मुंबई में कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाने के दौरान राजू शिखा को लव लेटर भेजा करते थे। उनको इस बात की चिंता भी सताती कि कहीं शिखा के घर वाले उनकी शादी कहीं और न करा दे। हिम्मत करके राजू ने अपने परिवार वालों से कह के शिखा के घर अपना रिश्ता भिजवाया, जिसके बाद शिखा के परिवार वाले राजू का घर देखने मुंबई गए। इसके बाद सारी तसल्ली होने के बाद मंजूरी मिल गई और 17 मई 1993 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। राजू के दो बच्चे हैं, बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी अंतरा श्रीवास्तव। राजू के भाई दीपू श्रीवास्तव भी राजू की तरह बतौर कॉमेडियन लोगों को हंसाने का काम करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राजू जल्द स्वस्थ होकर अपने साफ सुथरे और अपने मनोरंजक बातों से हम सबको हंसाते रहें। नारा टीवी उनके प्रशंसकों और अपनी टीम की ओर से यही कामना करता है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।